अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी और खैर खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय एंड अदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं करने वाली हूँ अपने बालों को कलर। दैट्स अ फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, फर्स्ट टाइम, एंड आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज। थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि पहले मैंने अपने बालों को कभी टच नहीं किया, कभी इन पर केमिकल किसी किस्म का भी अप्लाई नहीं किया। और ये मेरे हैं जी वर्जन हेयर्स, कोई ट्रीटमेंट कोई केमिकल इन पर नहीं हुआ हुआ है। और आज मुझे बहुत ऑब्सेशन हुआ हुआ है कि मुझे अपने कलर को, बालों को चेंज करना है। लेकिन कलर जो मैंने डिसाइड किया है वो है श्वार्ज़कॉफ का। ये अब देखिए, ये वाला कलर है, दिस इज़ 100% वेजिटेबल, यानी प्लांट बेस्ड ये कलर है। लाइक जिस तरह काइंड ऑफ हिना, जिस तरह मेहंदी होती है ना, उस तरह से। और ये बिल्कुल डार्क ब्राउन टोन्स में है, बिकॉज आई वांट कि मेरा बालों का कलर टेक्सचर वही, जो कलर वही रहे जो कि मेरे बालों का एज सच एक्चुअल कलर है। ज़रा उसके करीब तीन की टोन ही मैंने सेलेक्ट की थी, ठीक है। सो यही कलर मैं अपने बालों पे आज अप्लाई करती हूँ। सो सेकेंडली, आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज टुडे आई एम शूटिंग दिस वीडियो विद माय न्यू सोनी ZV कैमरा। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो भी देखी होगी जो कि मैंने अपलोड की थी कि मैंने न्यू कैमरा बाय किया था, और आज उसी कैमरा से मैं अपनी ये पहली वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, सो लेट्स सी इन झाड़ियों का आज क्या रिजल्ट निकलता है। लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडे वीडियो। जी तो ये है मेरे बालों की बिफोर वाली कंडीशन, ठीक है। और ग्रे बाल इक्का दुक्का कहीं आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन जो पहली कंडीशन है बालों की वो ये है, कुछ इस तरह से कलर है। और मेरे बाल चूँकि ब्राउनिश टोन में है, प्योर जेट ब्लैक नहीं है। सो या दिस इज़ द श्वार्ज़कॉफ का रस्ट ब्राउन कलर है, और 100% वेजिटेबल, इट मीन्स कि ये प्लांट बेस्ड कलर है, इसमें केमिकल्स ऐड नहीं है। और साथ ही साथ इसके साथ है जी ये शावर कैप, जो कि इस पैकेट के अंदर से ही, इस बॉक्स के अंदर से मुझे मिला है। और इसके साथ हम देखते हैं कि और क्या है। और जी ये एक पैकेट है, इस तरह से एक साशे आपको मिलेगा जब आप बॉक्स को ओपन करेंगे, तो ये आपको रस्ट ब्राउन में जो कि मैंने चूज़ किया था, सो दिस इज़ इट। और ये हैं जी ग्लव्स जो कि इसके साथ ही निकले हैं। अब हम करते हैं मेहंदी को मिक्स, ठीक है। इट इज़ काइंड ऑफ मेहंदी, ठीक है, जिस तरह मेहंदी को हम मिक्स करते हैं बिल्कुल इसी तरह इसको हमने नीम गर्म पानी से मिक्स करना है इस बाउल में। नॉन मेटेलिक बाउल है ये, और इसमें मैं कर रही हूँ। और अब चूँकि मुझे थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है इसको मिक्स करने में, सो मैंने इसको बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया, और इस तरह से नीम गर्म पानी से, ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर से आपने इसको मिक्स करना है। और ये है जी मेरे पास एक अदद एप्रन, क्योंकि कपड़ों को ख़राब नहीं करना। जब भी आप कलर अप्लाई करते हैं तो कपड़े ख़राब होते हैं, आपने कोई रफ़ एंड टफ़ शर्ट पहन लेनी है जो कि आपके लिए बेकार हो, यूज़लेस हो। और इस तरह से मैंने एप्रन को टाई किया, और ये बाल अब मेरे कुछ देख लें इस तरह से है बिफोर वाली कंडीशन। इसमें अगर जो एक आध कोई ग्रे बाल भी होगा तो उसके अभी देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा ग्रे बाल नहीं हैं। कहीं एक आध आपको नज़र आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है ना वो आ जाएंगे टाइम के साथ साथ, वो भी आएंगे, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। और ये हैं जी बिफ़ोर वाली कंडीशन, आप ज़रा गौर से देख लीजिए, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बालों का इनको कलर करने के बाद भी सेम मेरा नेचुरल कलर ही रहे, क्योंकि मुझे अपना कलर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ इसकी मैंने स्मेल की मेहंदी की, और ये बहुत बुरी थी, इतनी, ओह माय गॉड, अच्छी बिल्कुल नहीं थी स्मेल, ठीक है जी। अब हमने दरमियान में से, सेंटर में से मार्क करना, और यहाँ पे मेरी मत तवज्जी हुई है, मैंने ग्लव्स नहीं पहने, सो ग्लव्स पहले पहन लिए। और सेंटर से की है बालों की पार्टीशन, हाफ बालों को आपने एक साइड पे करना है, हाफ को एक साइड पे करना है, और मेहंदी को अप्लाई करते जाना है जिस तरह से भी आपको कन्वीनियंट लगे। बस हमारा बेसिक काम है, हमने मेहंदी को थोप देना है सर पर, ठीक है जी। अच्छी तरह से सारे बालों को करना है कवर, हर साइड से, फ्रंट से, बैक से, मिड से। सो गाइज़, बालों को मैंने कर लिया जी अच्छी तरह से कवर शावर कैप से। मेहंदी मैंने पूरे बालों पे अच्छी तरह से अप्लाई कर ली है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो रहा था, और कैमरे के सामने मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी कि मैं इसको अप्लाई करूँ। सो अब मैंने इसको पूरी अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है, शावर कैप के साथ कवर भी कर दिया है। अब हम इसको 60 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम करेंगे बालों को वॉश आउट, और देन उसके बाद हम अपना फाइनल रिजल्ट देखेंगे। भाई आज मेरी इस कैमरे पर ना न्यू
फर्स्ट वीडियो है, सो मुझे कुछ आइडिया नहीं हो पा रहा कि फेस कहाँ बड़ा छोटा पतला नाक मोटी छोटी आ रही है, ये तो फाइनल रिजल्ट के बाद ही देखूँगी और एक दो वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के बाद ही मुझे आइडिया हो पाएगा कि मैंने रॉन्ग एंगल पकड़ा है कि राइट एंगल पकड़ा है। एनीवेज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि फेस इतना बड़ा अंडे की तरह तो नहीं आ रहा, नाक मोटी तो नहीं आ रही। एनीवेज़ सो या अब हम वेट करते हैं 60 मिनट्स तक, तब तक हम अपने दूसरे काम करते हैं। बालों को ना बड़ा जब मैंने मेहंदी अप्लाई की थी तो बड़ा सूदिंग सा इफेक्ट आ रहा था, लेकिन अब चूँकि शावर कैप से कवर किया हुआ है तो अब ऐसे लग रहा है कि जैसे वाकई में हीट प्रोड्यूस हो रही है। और अब या सो या एक और चीज़ मुझे बतानी है आप लोगों को कि शॉर्ट्स कॉफ में ना इनके पास और बहुत सारे कलर्स हैं, आप जो उनसे भी कलर चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने रस्ट ब्राउन ही लिया था बिकॉज मुझे थोड़ा सा नेचुरल टोन में रहना था, और इनके पास ब्लॉन्ड शेड्स में भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो हैं। मैंने इसको लोकल स्टोर से यानी यहाँ से टीके मैक्स से लिया था, अगर आप यूके में हैं तो आप ईजिली टीके मैक्स पर जाएंगे और वहाँ से आप देखेंगे कि जहाँ उनके हेयर सेक्शन में ना आपको शैम्पूस कंडीशनर जहाँ पड़े होते हैं सब कुछ, वहाँ आपको इनके ये कलर्स भी नज़र आएंगे। और मेरे लिए भी बाय द वे इट वाज समथिंग न्यू, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स कॉफ की एक बहुत बड़ी रेंज देखी है कलर्स में व्हेन आई वाज गेटिंग ट्रेनिंग इन द सैलून। आज से कुछ अर्सा पहले की, बहुत अर्सा पहले की बात है, तब वहाँ पर शॉर्ट्स कॉफ की बहुत ज़्यादा इनके कलर्स जो है ना वो यूज़ होते थे, और आज भी आई एम श्योर के बहुत सारे सैलून्स में हो रहे हैं। लेकिन मेरे लिए ना ये एक न्यू चीज़ है कि प्लांट बेस्ड हर्बल, इनके पास हिना भी है यानी मेहंदी भी इनके जो है इस ब्रांड में है, ठीक है जी। मेरे लिए न्यू था, आई डोंट नो आप में से मे बी बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हो। आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू रिव्यू अबाउट इट कि मैंने इसको अप्लाई किया है और इसको कैसा पाया है, और ये मैं आपको अब धोने के बाद, बालों को धोने के बाद ही बता सकती हूँ, ठीक है। सो इसके लिए आपको देखनी होगी पूरी वीडियो एंड तक, ठीक है, स्टे ट्यून। सो अब मैंने बालों को अच्छी तरह से वॉश आउट कर लिया है ल्यूक वार्म वाटर से, शैम्पू अच्छी तरह से आपने करना है और कंडीशनर भी बाद में अप्लाई करना है। हाँ जी, सो फाइनल रिजल्ट आपके सामने है जी बालों का, ये देखिए आप, और मैं बहुत 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 खुश हुई हूँ। एक्सेक्ट वही कलर आया है बालों का जो मैं चाहती थी, लाइक मुझे चाहिए था बिल्कुल नेचुरल टोन में मैं रहूँ, मेरे बालों का कलर भी ना चेंज हो और जो ग्रे कवरेज है वो भी बालों की हो जाए। सो इट इज़ सुपर 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 ऑसम, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये कलर। सो ये है इसकी फाइनल लुक, आप अच्छी तरह से देख लें, बहुत अच्छी तरह से इसने ग्रे बालों को भी जो है वो ब्लेंड किया है। और एक होता ना मेहंदी का वो जो ऑरेंज कलर की टोन आती है, रेड कलर की टोन बालों में आती है, वो इसने बिल्कुल टोन नहीं दी है और बहुत डिसेंट सा सोफिस्टिकेटेड सा कलर आया है बालों में, बिल्कुल ऐसे है जैसे कि नेचुरल बाल हैं। सो आई लव इट, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। और दो वो लोग जो कि चाहते हैं कि ज़्यादा ऑर्गेनिक साइड पे जो मेरी तरह रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम बालों पे केमिकल्स को अप्लाई ना करें, हमारे बाल डैमेज होने से बच जाएं, बिकॉज व्हेन यू अप्लाई केमिकल्स ऑन योर हेयर, अब केमिकल वाले जितने भी कलर्स अप्लाई करते हैं ऑब्वियसली हर कलर में केमिकल होता है, तभी तो वो फिर आपके बालों को कलर उस तरह से आते हैं। दूसरा लोग यहाँ पे, मैं आपको एक और बात बताती जाऊँ कि लोग क्या करते हैं कि बालों में ब्लॉन्ड करवाते हैं, ब्लॉन्ड मत करवाइए प्लीज़, मेरी आपको बड़ी सिंसियर ऑनेस्ट एक रिक्वेस्ट है, करवाना चाहे तो भाई करवा लें, आपकी अपनी मर्जी है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अपने बालों को कभी भी ब्लॉन्ड मत करवाइएगा, ठीक है, आपके बालों का मैं कहती हूँ सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो उसमें होता है जी ब्लीचिंग एजेंट, जब आप ब्लॉन्ड करवाते हैं बालों को तो उसमें ब्लीचिंग एजेंट होता है जो कि आपके बालों को फाड़ देता है, दो मुंह बना देता है, ठीक है, उससे बाल कभी रिकवर नहीं होते आपके दोबारा से, चाहे आप फिर जितनी मर्जी ट्रीटमेंट्स करवा लें, जो मर्जी हो जाए। हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट कलर जो है कोई भी हेयर कलर उसको अपने बालों पर अप्लाई करवाएं, अप्लाई करें उसको, और सैलून पर भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर सैलून वाले आपको कहते हैं कि आप इनको ब्लॉन्ड करवा लें, तो प्लीज़ आप अपने कुछ आप सब लोग बहुत समझदार हैं तो खुद से सोचा करें कि हमारे बालों का किस में फ़ायदा है, किस में भला है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कलर अप्लाई करवा लिया करें बजाय कि आप ब्लॉन्ड करवाएं और फिर आप रिक्वायर्ड कलर लें, ठीक है। वैसे भी बहुत प्यारे शेड्स कलर आजकल बहुत ज़बरदस्त मार्केट में आए हुए हैं। सो गाइज आई एम सुपर एक्साइटेड विद माई टूडे एक्सपेरिमेंट, मैं चाहती थी कि आप लोगों के सामने मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँ, आपको इसका लाइव बिल्कुल फीडबैक दूँ कि जो मैंने इसको करके रिजल्ट मुझे मिला है, ये मेरे ऑनेस्ट 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 रिव्यूज़ हैं इसके बारे में। अब ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है कलर, ये मैं आपको इसका रिव्यू
थोड़े दिनों के बाद ही दे पाऊंगी, बिकॉज अभी तो मैंने इसको अप्लाई किया है एंड आई रियली डोंट नो कि अभी कितना लॉन्ग लास्टिंग है. आफ्टर 1 month, 2 month, 3 month इसका क्या, कोई भी कलर आपको 2-3 महीने के बाद तो करवाना ही पड़ता है. सो इसका क्या रिजल्ट होता है वो मैं आपको भी बताऊंगी. इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, क्योंकि वहाँ पर स्टोरीज में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ एंड व्हाट्स हैपनिंग इन माई लाइफ वो सब कुछ वहाँ पर बता रही होती हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर हो रहा होता है. आई एम सुपर एक्साइटेड. मैंने बालों को जस्ट वॉश किया, वॉश करने के बाद इनको रात भर मैंने इनको ब्लो ड्राई भी नहीं किया, स्ट्रेटनर भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, नेचुरली बालों को सूखने दिया है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने है. जी ये देख लीजिए, ठीक है. मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके बालों को हीट से दूर रखूँ, क्योंकि जब हम बालों को स्ट्रेट करते हैं उसमें भी हीट आपके बालों तक जा रही होती है जो कि आपके बालों को डैमेज करती है. जब आप ब्लो ड्राई करते हैं तब भी आपके बालों को नुकसान पहुँच रहा होता है, ठीक है. नो डाउट बहुत सारे सीरम्स और बहुत कुछ आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जितना हो सके कोशिश कीजिए कि नेचुरल चीज़ों की तरफ रहें. और मैं बहुत होम रेमेडीज़ करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ऑर्गेनिक बंदी हूँ. मुझे ये होता है कि जितना अपने आप को आप ऑर्गेनिक चीज़ों से खूबसूरत बनाएंगे, आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होगी, आपके बाल भी डैमेज नहीं होंगे, आपकी खूबसूरती भी वहीं बरकरार रहेगी, ठीक है जी. सो ये था आज का छोटा सा मेरा एक रिव्यू आप लोगों के साथ. तो ठीक है जी, इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए मज़ेदार से कंटेंट के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त एंड यस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है. भूलना मत, बहुत इजी काम है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जनाब. सो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में बहुत सारा रखिएगा याद. किसी नए मज़ेदार से कॉन्टेंट के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय.